वेल गाइस, मैं हूँ मूडी जे और मैं आपके लिए लाया हूँ फियर 3 गेम की स्टोरी लाइन हिंदी में। फियर 3 एक फर्स्ट पर्सन शूटर सर्वाइवर हॉरर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया है डे वन स्टूडियोज़ ने और पब्लिश किया है वार्नर ब्रदर्स ने। ये गेम सीक्वल है फियर 2 प्रोजेक्ट ओरिजिन सीरीज का और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है फियर सीरीज की। गेम स्टार्ट होती है फियर प्रोजेक्ट ओरिजिन के 9 महीने बाद। यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट जो कि पॉइंट मैन है उसको कैप्चर कर लिया जाता है आर्मचेन सोल्जर्स द्वारा, जो उसे ब्राज़ील की एक जेल में पूछताछ के लिए रखते हैं। Attention all stations. High value experiment is escaping. Subject tracking toward mess hall. Move to intercept. यहाँ पर पैक्सन फीटल जो कि पॉइंट मैन का भाई है पूछताछ में बाधा डालता है और पॉइंट मैन को छुड़ाने में मदद करता है। दोनों एक अनईजी अलायंस बनाते हैं और स्लम से होते हुए जेल से बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान दोनों भाइयों को पता चलता है कि वे और उनकी प्रताड़ित माँ अल्मा वेड क्रीप द्वारा शिकार की जा रहे। क्रीप एक राक्षस है जो अनजाने में ही हार्डलन वेड की क्रूर यादों से बनता है। इधर दोनों भाई स्लम से होते हुए भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों भाई स्लम से होते हुए एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करते हैं। यहाँ पर पैक्सन फीटल और पॉइंट मैन दोनों एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर वे फियर ऑपरेटिव जिनसन ग्वांस के साथ मिलते हैं। पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि फियरपोर्ट की अधिकांश जीवित आबादी या तो असामान्य गतिविधि से प्रेरित है या आर्मचेन सोल्जर्स द्वारा मार दी गई है।
उनके अलग अलग लक्ष्यों के बावजूद भाई सफलतापूर्वक जिन के साथ मिलते हैं, जिन माइकल बैकेट के द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज को चलाती है। माइकल बैकेट जो दावा करता है कि अल्मा ने उसका बलात्कार किया था और योजना बनाकर आर्मचेन सैनिकों द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। What good did they think would come of that nightmare? Horrible. Raped me. Do you hear me, Armacan? She's fucking pregnant! A ghost in the flesh. You need to act immediately. Stop this from happening. As if she knows anything. All these paranormal anomalies are like contractions. Judging by the severity of them already, I'd say we don't have much time. Are you with me on this? दोनों भाई अब बैकेट को पकड़ने के लिए स्थानीय हवाई अड्डे पर हमला कर देते हैं और आर्मचर्म के कर्मियों के अवशेषों को मार डालते हैं। बैकेट से जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में फेटल को यह पता चलता है कि अल्मा वास्तव में बैकेट द्वारा गर्भवती है और बढ़ती पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके कॉन्ट्रैक्शंस का परिणाम है। बैकेट फेटल के कब्जे से निकलने से पहले पॉइंट मैन की पहचान का एहसास करता है। What do you want? पैटल बैकेट से जानकारी के लिए उसके शरीर में घुस जाता है और जानकारी ना मिलने पर वो बैकेट को मार देता है। Because of you.
mother. Conception. I have to kill the filthy maggot that crawls inside her! She's no longer your mother. Child. Must. It cannot be allowed. दोनों भाई अब पुराने प्रोजेक्ट ओरिजिन फैसिलिटी जाते हैं, जहां हर्लिन वेड ने मूल रूप से प्रोटोटाइप विकसित किया था। They watched us here. Watched the little rats play in their cage. Must destroy the terrible memories of this place and of him. We can erase these memories. We must destroy what remains of them. वहां भाई क्रीप को कमजोर करने के लिए अपने बचपन की यादों से जुड़ी वस्तुओं को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। Here he toyed with us. We were nothing but experiments to him. Focus! Concentrate! You are stronger than this! Don't disappoint me! Don't be like him! I want to see you do it! This is the room that made me a killer. Yes! Focus! यहाँ दोनों भाई क्रीप की एक राक्षसी छाया को नष्ट कर देते हैं। Now, brother, destroy him! भाई अंततः अल्मा के साथ पुनर्मिलन करते हैं, जिसका शरीर उसकी गर्भावस्था के कारण काफी बदल गया है। It's happening. Let's go to her. This is something we must see. पॉइंटमैन अपनी पिस्तौल का लक्ष्य अल्मा के पेट की तरफ करता है, जहां उसका तीसरा बच्चा रहता है।
फेटल गुस्से में उससे पूछता है कि क्या वो आदेशों के लिए अपना खून फेंकने को तैयार है। इसी के साथ पॉइंटमेंट फेटल को गोली मार देता है और फेटल हर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। So easy the second time.